Friends, this is lesson number 4, know about Windows 7. And before this video, we have learned a half of the topics from this lesson. What the topics we have learned: characteristic of operating system, how to start Windows 7, features of Windows 7 and desktop of Windows 7. Now, in this video, we are going to learn about how to move text taskbar and gadgets, selecting and deselecting icon, selecting adjacent and non-adjacent item, how to change the desktop background, screen saver setting, mouse pointer shape and shut down Windows 7. These are the topic which we are going to learn in this video. So let's start the topic. First topic of this video is how to move the taskbar. Do you know what is the taskbar? Taskbar, it appears at the bottom of a desktop and it contains quick launch bar and the system tray. Okay, and let's see how to move the taskbar. Taskbar can be moved to any of the four side of the desktop. Up desktop ke four side, up top side, bottom side, left or राइट साइड पे कहीं भी डेस्कटॉप में मूव कर सकते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स टू मूव द टास्क बार. फर्स्ट स्टेप, प्लेस द पॉइंटर ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार. पहले आपको पॉइंटर, जो कर्सर होता है, वो आपको टास्क बार के किसी भी ब्लैंक एरिया में प्लेस करना है, रखना है. एंड सेकेंड, press and hold the left button and drag the taskbar to any side of the desktop. और फिर आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और होल्ड करके उसे ड्रैग करके किसी भी साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. स्टेप थ्री, नाउ रिलीज द माउस बटन. जब आप ड्रैग कर देंगे तो फिर अपने माउस बटन को आप रिलीज कर दीजिए. Anywhere, if you according to your choice where you want to move the taskbar. Okay, now the next topic is gadget. See, different at the left side of your book, here is the picture given. There are the different gadgets. Gadgets, what are the gadgets? Gadget are the small and helpful icons on the desktop. Gadget एक small और छोटे छोटे helpful icons होते हैं जो desktop में present होते हैं. Each icons has its specific function और हर एक icons के, gadgets के अपने एक special function होते हैं. They are used to view weather, calendar, currency, different kind of watch time और many more items. और उसमें क्या क्या होते हैं, हम वेदर कंडीशन देख सकते हैं, कैलेंडर व्हाट इज़ द डेट फॉर द टुडे, फॉर द पर्टिकुलर डे, करेंसी, डिफरेंट काइंड ऑफ वॉच टाइम, ओके, यू कैन सी द टाइम आल्सो और मेनी अदर आइटम्स ऑन द गैजेट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्टिंग एंड डीसिलेक्टिंग आइकॉन. सिलेक्टिंग आइकॉन, फॉलोइंग आर द स्टेप फॉर सिलेक्टिंग द आइकॉन. हाउ कैन वी सिलेक्ट द आइकॉन्स? फर्स्ट स्टेप, टेक द माउस पॉइंटर ओवर एनी आइकॉन. ठीक है ना, आइकन. यू कैन प्लेस द पॉइंट माउस पॉइंटर, जो कर्सर होता है, आप पॉइंट आउट कर रही किसी भी आइकॉन के ऊपर. सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन द लेफ्ट बटन वंस. फिर इसके बाद आप माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक कीजिए. द कलर ऑफ द आइकन चेंज एंड इट मीन्स दैट आइकन हैज़ बीन सिलेक्टेड. फिर जो आइकन होता है वो उसके साइड पे कलर हल्के हल्के शेड आ जाते हैं, कलर हो जाता है. इट मीन्स आपका जो आइकन है, पर्टिकुलर आइकन विच यू हैव चूज्ड टू ओपन, इट इज सिलेक्टेड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डी सिलेक्टिंग आइकन्स. The following step given to for the deselecting an icons. For understanding the selecting and deselecting icon, let us have a quick look on this activity.
If you want to select the icon, take the mouse pointer on the icon and left click. Click on the left mouse button once. अगर आपको कोई भी आइकन सिलेक्ट करना है तो माउस पॉइंट पॉइंटर एक पर्टिकुलर आइकॉन में ले जाके क्लिक कीजिए. लेफ्ट क्लिक. सी द कलर ऑफ आइकन चेंज, इट मीन्स आइकन हैज बीन सिलेक्टेड. सी द कलर ऑफ आइकन इज चेंज, इट मीन्स इट इज सिलेक्टेड. एंड इफ यू वांट टू डीसिलेक्ट द पर्टिकुलर आइकन, अगर आप आइकन को डीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए माउस पॉइंटर को कहीं भी स्पेस में मूव कीजिए सिलेक्टेड आइकॉन से. एंड देन क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस. फिर इसके बाद माउस बटन को, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक कीजिए, वो डीसिलेक्ट हो जाएगा. नाउ सेकेंड इज सिलेक्टिंग एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट आइटम. फॉर सिलेक्टिंग द एडजेसेंट आइटम, वॉट इज द स्टेप? लेफ्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट आइटम टू बी सिलेक्टेड. एडजेसेंट आइटम को सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेफ्ट क्लिक करना है फर्स्ट आइटम को. माउस बटन से आप उसे लेफ्ट क्लिक कीजिए. सी दिस वन इज सिलेक्टेड. एंड देन होल्ड, प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की ऑन योर कीबोर्ड. आपको कीबोर्ड में शिफ्ट बटन है उसे प्रेस करके होल्ड रखना है. एंड देन क्लिक ऑन द लास्ट आइटम टू बी सिलेक्टेड. और आइकन जो आपको सबसे लास्ट आइटम सेलेक्ट करना है आप उसमें क्लिक कीजिए एंड रिलीज द शिफ्ट की. फिर इसके बाद शिफ्ट की आपको छोड़ना है. सी दैट जैसन आइटम इज सिलेक्टेड. एंड फॉर कैंसलिंग, एंड इफ यू वांट टू कैंसिल द एडजस्ट, देन यू मूव द कर्सर एनी वेयर ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लिक इट. फॉर सिलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट आइटम, फर्स्ट ऑफ ऑल होल्ड ऑन द कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन द आइकन. लेफ्ट क्लिक ऑन द आइकन एंड होल्ड द कंट्रोल की. प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की ऑन योर कीबोर्ड एंड देन क्लिक वन बाय वन ईच. वन टू थ्री फोर फाइव. It's like this, you will select each one by one. In this way, you can select the non-adjacent item. And if you want to deselect the non-adjacent item, then move the circle anywhere on the desktop and click it. See, it is deselected. Now, how to open the program? If you want to open the particular icon, then you click on it. See, and then enter, press the enter key. आपके कीबोर्ड में एंटर की है, आप उसे प्रेस करेंगे तो आपका पर्टिकुलर आइटम ओपन हो जाएगा. यह तो आप फिर डबल क्लिक करके माउस बटन से, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके आइकॉन को ओपन कर सकते हैं. नाउ स्टेप टू शॉर्टिंग द आइकन. हाउ टू शॉर्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द शॉर्टिंग ऑफ आइकन? शॉर्टिंग द डेस्कटॉप आइटम मीन्स अरेंजिंग दैम इन अ प्रॉपर ऑर्डर. जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, हम कोई रिकॉर्ड अगर करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं. सेम कंप्यूटर में भी शॉर्टिंग ऑफ आइकन्स होता है, उसे हम प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन करते हैं. स्टेप क्या है? पहले आप राइट क्लिक कीजिए, ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक कीजिए. सी दिस मेन्यू इज अपीयर, शॉर्टकट मेन्यू. दिस इज द शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स हियर. पॉइंट शॉर्ट बाय, ये पॉइंट आपको दिख रहा है जो शॉर्ट बाय है, आप इसमें क्लिक करेंगे तो नेम ऑप्शन ओपन हो जाएगा. आप उसको साइज वाइज भी कर सकते हैं, आइटम वाइज भी कर सकते हैं और डेट मॉडिफाई भी कर सकते हैं. इधर हम नेम पे क्लिक करेंगे तो ये अल्फाबेटिकल अरेंज हो गया. देखिए यहाँ पे एल अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया. नाउ थर्ड इज हाउ टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड. फॉर चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ अ डेस्कटॉप. आप कहीं भी राइट क्लिक कीजिए डेस्कटॉप में.
फिर यहाँ पे लास्ट में ये शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा, यहाँ पे पर्सनलाइज है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ऑप्शन ओपन हो गया, इसमें आप कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। सी दिस वन इज हैव सिलेक्टेड एनीवन, जस्ट क्लिक क्लिक इट एंड आफ्टर चूजिंग द विंडो डेस्कटॉप बैकग्राउंड सिलेक्ट द सेव चेंज एंड देन क्लोज द, सी द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज चेंज्ड। And how to screen setting saver setting? What is a screen saver setting? Screen saver is a moving picture of the pattern that appear on your computer screen when you do not use the mouse and keyboard for a specific interval of time. The window come with the several screen saver. You can also create your screen saver from the personal picture that you have to save in your computer. स्क्रीन सेवर एक तरह का पिक्चर और पैटर्न होता है जो हम कंप्यूटर स्क्रीन में जब काम करना कुछ देर के लिए कुछ समय के लिए छोड़ते हैं तो वो हमारे विंडो पर अपीयर हो जाता है, कुछ मूविंग पिक्चर्स होते हैं। हम अपने पर्सनल पिक्चर को भी स्क्रीन सेवर एज ए स्क्रीन सेवर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू द स्टार्ट बटन, either you right click on the key desktop, see you go to the personalize, here the screen saver option is given, just click on it, okay। यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन सेवर सेटिंग। यहाँ पे स्क्रीन सेवर सेटिंग के लिए आप यहाँ पे कुछ भी क्लिक कर सकते हैं, 3D टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर we can use bubble, okay। और इसके बाद हम कितने समय के लिए उसे for a specific time कितने समय के लिए उसे waiting पे कर सकते हैं, wait section में जाके आप उसके timing set कर सकते हैं, आप कितने मिनट के लिए उसको करेंगे और फिर then you अगर आप preview करना चाहते हैं click on it and just see the bubble is moving on your window screen, okay, and then you click on the okay and then cancel the program. Say after 1 minute it will appear on your screen. The screen saver selected will start running when your computer became inactive for a period of a time that has been opted in a wait option. 1 minute के लिए भी अगर आपका आपने अगर 8 minute choose किया हुआ है wait option में तो वो 1 minute के बाद जब आपका computer inactive हो जाएगा तो bubbles appear होने लगेंगे screen saver में। I hope you all understand. Now let's see what is the next topic. And last topic is mouse pointer shape. The shape of a mouse pointer change according to the action we perform. जो हम काम करते हैं उसके according mouse pointer change होता है. See the normal for painting, selecting, dragging the item on the screen. Normal shape कब रहता है, जब हम painting के लिए use करते हैं या फिर select करके कोई item drag करते हैं screen में. I beam for inserting the text in a document. आई बीम शेप होता है जब हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। एंड राउंड सर्कल बिजी, इट मीन्स दैट कंप्यूटर इज़ बिजी एंड वॉन्ट यू टू वेट। अगर इस तरीके से सर्कल बूटिंग करता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर अभी कुछ एडजस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एडजस्ट हो रहा है और आपको वेट के लिए कह रहा है। एंड फोर हेडेड एरो, जब चार तरफ के एरो होते हैं तो उसके उसका मीन्स क्या होता है, फॉर मूविंग द पिक्चर एंड द टूल बार, पिक्चर को मूव करने के लिए या टूल बार के लिए। टू डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो मीन्स होता है फॉर रीसाइजिंग द विंडो और द पिक्चर, पिक्चर को विंडो को रीसाइज करने के लिए।
Now, last topic of this lesson is shut down Windows 7. Windows 7 shut down करने के लिए following step given to shut down the Windows 7. First of all, click on the start button and then the option shut down appear. You just click on it. Then Windows 7 will shut down. Okay, this is the lesson 4. Just go through it and read it once again. Thank you.